हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे अपने घर से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से निकलेंगे वहाँ जहाँ पिछले वीडियो में आप लोगों को लेके गया था। उस समय कुछ अलग था, लाइटिंग वाइटिंग का प्रोग्राम था, बट आज जहाँ हम दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सूफियाना फेस्ट रखा गया, 6 दिन का फेस्ट है। तो चलो देखते हैं वहाँ पे है क्या, तो एक रिव्यू ले लेते हैं, वहाँ जाके समझ में आएगा कि वहाँ पे बढ़िया हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलो, चलोगे ना? चलो लेट्स गो। वैसे तो आज भी हम लोग पहुँचे कनॉट प्लेस, और 3 दिन बाद हम लोग कनॉट प्लेस पहुँच रहे। 3 दिन बाद हम कनॉट प्लेस दोबारा पहुँचे, और फिर वही मेट्रो का सफ़र, और सेम शॉट ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि सेम पार्ट है। आज भीड़ थोड़ी सी कम है क्योंकि आज बड़े दिन बाद दिवाली की छुट्टी के बाद में आपको दिख जाएगा, दिवाली की छुट्टी के बाद में यहाँ पे। अच्छा हुआ क्या, अभी लास्ट मैच जैसे निकल रहा था कनॉट प्लेस से, तो पुलिस वालों ने मेरे को बोला यार प्लीज़ यहाँ पे शॉट मत लो, तो मैं बोलते रह गया। अब हम पहुँच चुके कनॉट प्लेस के अंदर, और यहाँ पे यार सही बताऊँ जो होने वाला ना वो आपको आगे दिखेगा। तो इस चैनल पे और इस वीडियो पे बने रहो, पूरी वीडियो इन्जॉय करो, बीच में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा ना यार। इतनी ज़्यादा आपको वो क्या हो रही है एक्साइटमेंट, मुझे बताने की एक्साइटमेंट हो रही है, बट मैं बताना नहीं चाह रहा अभी, बट मैं बताऊँगा आपको चलती वीडियो में, ठीक है ना? तो चलो मेरे साथ कनॉट प्लेस की सैर कराते हैं। हम लोग आ चुके सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस, और यहाँ पे जो चल रहा है बहुत ही रुहाना है, मतलब शेर व शायरी वाला मौसम है। जश्न विरासत उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है आप लोगों के लिए, पूरी दिल्ली के लिए, मतलब कोई भी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकता है और बहुत ही मज़े और लुफ्त ले सकता है। उर्दू का वर्ड बोला ना मैंने, लुफ्त, ये भी गलत बोल दिया मैंने, लुत्फ, क्या होता है लुत्फ। तो अभी मैं ठीक कर रहा हूँ, लुत्फ मतलब आप इंजॉय कर सकते हो यार, मस्ती कर सकते हो, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। भीड़ ज़्यादा नहीं है, बट आप आओ, आपकी फैमिली के साथ में बैठो और इंजॉय करो, सिर्फ इंजॉय करो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे आके बस मग्न हो जाना है। हर तरह के सूफी सॉन्ग्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और इंजॉय करने वाले हैं। जो टाइमिंग है इसकी शुरू होने की, आफ्टरनून 3 से ये वाला प्रोग्राम शुरू हो जाता है, और ये ऑनवर्ड चलता है 10 तक। बीच में अलग अलग पार्ट में रोज़ सिंगर्स आ रहे हैं, और ये जो रहेगा 6 दिन के लिए रहेगा दिल्ली के अंदर। यार क्या कर दिया आप लोगों ने, सब कुछ इंजॉय करने के लिए मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है सच में। आप लोग यहाँ पे आओ आपकी फैमिली के साथ में, बहुत मस्ती करो, बहुत मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात यार मैं बता तो रहा हूँ, एंट्री फ्री है यार, एंट्री एकदम फ्री, हर चीज़ फ्री, मजाक हो गया। और ये तो फ्री वाली जगह पे हर जगह जाती है। हाँ मतलब आपको यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट आपको म्यूज़िक इन्जॉय करने को मिलेगा। तो म्यूज़िक इन्जॉय करना तो यार हमारा, मतलब हम गाने सुनते रेडियो में इधर उधर, यहाँ आके बैठो ना यार लाइव में, सी क्या फील आ रहा है यार, क्या फील आ रहा है, सच में बहुत फील आ रहा है।
अरे दादा इसको क्या चीज मिल गई मेरी भाई बता बताओ तो बताओ, ये डर गई है, बहुत डर गई, डर के मारे थी हंसी छूट गई है, डर के मारे थी हंसी छूट गई है। इतनी मोटी गीत थी, बायचांस पार्क में क्रॉस कर रही थी तो इसको दिख गया और इसको डर के मारे मतलब हंसी छूटनी शुरू हो गई। मजा लेने आई है क्योंकि एंट्री फ्री है सबके लिए भाई, मतलब इसकी भी एंट्री फ्री है। तो आई थिंक यार आ जाओ, छः दिन तक अलग 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 सिंगर्स हैं, आप किसी भी टाइम आ सकते हो। आ रहा है सैटरडे संडे यार, दिवाली के बाद भी मज़े ले सकते हो आप, दिवाली के बाद भी मज़े। हमारा फेवरेट भी आ रहा है, शायद आपका भी फेवरेट होगा। कौन आ रहा है? सलमान अली। मतलब आज है और कल है 31st। हाँ ये गलत है, मैं अच्छा कल आ रहा है आप लोगों का, हमारा सबका फेवरेट सलमान अली। और मैं ये कहता हूँ कि कल के दिन आप लोग आओ यहाँ पे, फुल ऑन एंजॉय करो ना यार, थोड़ी भीड़ इकट्ठी करके अपने दोस्तों यारों को इधर उधर कॉलेज से फेस्ट से इधर उधर से निकल के लाओ, पूरा का पूरा फेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया यार यहाँ पे हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो आना ज़रूर बनता है बनता है। हम लोग आज पहुंचे हैं जहाँ पे सूफी सिंगर सुनने के लिए तलत अजीज को, हमारे साथ में आनंद मणि जी, ये खुद भी पत्रकार हैं, तो कुछ अपने रिव्यू दे दीजिए भैया आप किस तरह का लगा। तलत अजीज को हम सुन रहे हैं और ये जो झाप ताल में आपने देखा मुसीबत की गजलें बहुत बहुत ही मौसीकी से पेश कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत दिनों बाद उनकी एक गजल थी जिन्होंने 1984 के बाद उसको पेश की है और दूसरी बार पेश की है यहाँ पे। तो जिस तरह से धीरे धीरे जैसे एक शाम ढलती है और धीरे धीरे एक रात का सुरूर चढ़ता है, तो उसी तरह उनकी गजल का सुरूर दर्शकों पर चढ़ रहा है। काफ़ी अच्छी आवाज़ के साथ पुराने उन गजलों को खोज कर निकाला है जिनको एक बक्से में बंद कर चुके हैं। उसमें बड़ी बात यह है कि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कभी गजलें क्या ढोलक पर होती थी और सिंपल हारमोनियम पर होती थी, उसमें जो बड़े इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत है। बहुत ही बढ़िया, मतलब हम आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आए, अभी 6 दिन का चल रहा है कुछ, तो 6 दिन तक लोग निश्चित रूप से, ये हार्ट है दिल्ली का, हार्ट कहा जाता है और जिस तरह हार्ट से हार्ट जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी मतलब सर्दी है तो सर्दी वैसे दिल्ली की सर्दी का शुरुआत हुई है अभी, वो सर्दी आई नहीं है मशहूर है, तो उस सर्दी के पहले उस गर्माहट को महसूस करना हो तो जरूर आइए कनॉट प्लेस आइए। तो मतलब हमारी
اردو اکیڈمی کی کافی اچھی پیشکش ہے، بہت اچھی پیشکش ہے اردو جس نے وراثت بہت شاندار پیشکش ہے، مطلب دلی گورنمنٹ نے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ایک مطلب اتسو سا دے دیا ہے۔ جو اس سے پہلے آپ نے لیدر شو دیکھا تھا، میرا ویڈیو کافی اچھا گیا، لیدر شو کا بھی ہٹ چل رہا ہے اس سمے، میرے 15,000 ویوز آ چکے ہیں اس پہ، بہت شاندار۔ تو پہلا ویڈیو اگر آپ سرچ ماریں گے تو آپ کو دکھ جائے گا، آپ کے فرینڈس وغیرہ دیکھ سکتے ہو۔ تو ابھی ہم آج ہی رات کو یہ والا ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں گے، تو آپ کے لیے 6 دن ہے یار، 6 دن تک آپ فل انجوائے کرو، روز آؤ اپنی فیملی کے ساتھ میں، الگ الگ صوفی سنگرز آنے والے ہیں، تو آپ انجوائے کر سکتے ہو اس والے موسم کو دلی کے اندر آ کے، اور وہ بھی فری آف کاسٹ۔ اندوری جیسے لوگ آنے والے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ شروعات کریں گے، آپ بہت اچھے طریقے سے آپ سنیے۔ تو آپ لوگوں کو سبھی کو آمنترت کیا گیا ہے، تو آپ لوگ پہنچے یار۔ لو جی نکل پڑے ہیں وہاں سے ہم لوگ، مطلب نو ڈاؤٹ اچھا تھا، آپ لوگ آنا، انجوائے کرنا، مستی کرنا، میرے کو ویڈیو کو کرنا یہیں پہ اینڈ۔ ابھی تک جس نے میرے چینل کو نہ لائک کیا، نہ شیئر کیا، نہ سبسکرائب کیا، تو کر لو یار، کیا دقت کیا آ رہی ہے؟ آج پھر بول رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سبسکرائب، کب کرو؟ کتنی باری بولے آپ سبسکرائب کر دو، پلیز کر دو۔ تو چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اور ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ، اور بہت سارا پیار دینا لاسٹ والی ویڈیو کی طرح۔ اوکے، بائے بائے. Thank you.